40 साल से थे, हमें लखन भी मदद नहीं करे। अब सीरिया सन्ना हमने मदद कर रही घर, अल्लाह उनको हयाती दे दे, तस्वीर ताकत दे दे, उन्हें और आगे बढ़े दे, उन्हें मिनिस्टर बने दे, ग्राम बन रही, मोरी बनी, पानी दिए, कावेरी का पूरा कर रही, अल्लाह उनको अच्छा रखे, बच्चे सब अच्छे रहते। अन्ना कुछ श्रीनिवास मूर्ति कुछ वोट डालती तो हमें किसे डालते नहीं, उन्होंने अच्छा काम करी, हमें उनकी एरिया में चाहिए तो हमें उनकी एरिया में चाहिए। पुलकेशी नगर के डीजे हल्ली, ईदगाह मोहल्ला, सोजना नगर, एनपी फैक्ट्री वगैरह के स्लम इलाकों के तकरीबन 400 खानदानों को हक पत्र तकसीम किया गया। पुलकेशी नगर के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति और साबिक वजीर बीजेड जमीर अहमद खान के हाथों यह हक पत्र तकसीम किए गए। तकरीबन 400 खानदानों को यह हक पत्र दिए जाएंगे, जिनमें आज पहली किस्त में 250 के करीब लोगों को यह हक पत्र दिए गए। डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बाकी 150 लोगों को अगले किस्त में हक पत्र दिए जाएंगे। हक पत्र हासिल करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम और दलित खानदान मौजूद थे। हक पत्र यानी अब ये तमाम जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, अब ये इनके कानूनी तौर पर सही डॉक्यूमेंट हो गए हैं, यानी वो लीगलाइज हो गए हैं। अब ये तमाम मकानात जिनको हक पत्र मिला है वही उसके मालिक हैं। हक पत्र हासिल करने के बाद यहाँ के लोगों ने खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कांग्रेस नहीं साहब, अल्लाह का फजल अच्छा कर रहे हैं, काम सब अच्छा कर रहे हैं। नहीं साहब, सब भी उनको डालते हैं, आप किसे पूरा काम ऐसा करते हैं, क्या फर्क नहीं है, पूरा काम कराते हैं, परवाह नहीं। करोड़ रोड बनाते हैं, पानी वानी का मसला कुछ नहीं, सब सहूलत करते हैं ना पब, वो लीडर है, ये लीडर कराते हैं पब। 40 साल से थे, हमें लखन भी मदद नहीं करे, अब सीरिया सन्ना हमने मदद कर रही, घर बन रही और पट्टा देखो ही, अल्लाह उनको हयाती दे दे, तस्वीर ताकत दे दे, उन्हें और आगे बढ़े दे, उन्हें मिनिस्टर बने दे। सीनियर सन्ना बहुत मदद कर रही है, हमारे घर में नाला बनी, ग्राम बन रही, मोरी बनी, पानी दिए, कावेरी का पूरा कर रही, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनके बच्चे सब अच्छे रह दे, अल्लाह उनको और हयाती दे दे। और काम ये जो स्लम इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा स्लम इलाका अतराफ अकनाफ ये फैला हुआ है। सुजाना नगर के अलावा भी इसमें कई इलाके आते हैं और यहाँ तकरीबन 400 लोगों को जो है हक पत्र दिया जाने वाला, यानी कि वो तमाम जो गैर कानूनी लोग बसे हुए थे वो तमाम लोगों को लीगलाइज़ किया जा रहा है। और ये स्लम बोर्ड की तरफ से यहाँ के मुकामी अमले अखंड श्रीनिवास मूर्ति के और जमीर अहमद खान के इश्तराक से, मेहनत से जो है ये काम हुआ है। और तकरीबन ये 250 लोगों को जो है आज हक पत्र तकसीम किया गया है, जिसमें 150 लोगों के डॉक्यूमेंट बनाने बाकी हैं, जिस वजह से वो पेंडिंग है। तकरीबन 150 लोगों को और हक पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई जगह पे हक पत्र देने के इम्कानात हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि सालों से 30 या 40 साल से रहने वाले ये गरीब लोग हक पत्र हासिल करने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं दिल की गहराई से हमारे स्लम बोर्ड के तमाम ऑफिसर का और खासकर हमारे स्लम बोर्ड के मिनिस्टर सोमना साहब का, स्लम बोर्ड कमिश्नर का, खासकर ये जद्दोजहद करके, अगर ये जद्दोजहद नहीं करते तो आपको हक पत्र नहीं मिलता था। खासकर ये जद्दोजहद करके आपको हक पत्र देने के लिए जो अनिवार्य है हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब का, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि ये ईदगाह मैदान का, ईदगाह मैदान हल्के के टोटल 400 हक पत्रे, 400 हक पत्रे के अंदर 250 पर 6 हक पत्रे अभी दिया जा रहा है। बचत के 140 हक पत्रे, वो टेक्निकल आपका प्रॉब्लम है, बहुत से जन फोटो नहीं दिए, आधार कार्ड नहीं दिए, एक एक फैमिली का प्रॉब्लम है, समझो घर के अंदर 4 जन है, वो उसके नाम पे होना है, इसके नाम पे होना करके वापस के प्रॉब्लम की वजह से 140 पर 5 जन का वो अभी तक हक पत्र बना नहीं। तो मेहरबानी से उनको भी एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, ये हक पत्र मतलब क्या है, ये आपके आइडेंटिफाई, पक्का ओनर आप, यानी पक्का मालिक बनी है उसके। अब इतने दिन जो थे इल्लीगल थे, वो इलीगल थे आप, अभी आप लीगल हो गया। यह हक पत्र मतलब क्या है, एक ओनरशिप टाइटल हो,
अभी यह पत्र लेने की बात क्या है, स्लम बोर्ड के अभी मेरे हलके के अंदर भी, मैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब को बताया और ऑफिसर्स को भी बताया, अभी मेरे हलके के अंदर भी मेरे तीन गांव से तीन स्लम में जो थे एक्वायर थे उनको हक पत्र दिया गया। उसके साथ में मैंने ऑफिस सब रजिस्टर के ऑफिसरों से मीटिंग करके, यानी गरीब तबके के हैं वो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, अगर वो आप रजिस्टर करेंगे आपका नाम पे सेल डीड होएगा तो ही पक्का हो जाता है, खाली हक पत्र रहने से नहीं है। हक पत्र मतलब क्या हो गया, आपका करके हो गया मगर कब पक्का होता, आप वो सेल डीड कराएंगे तो, सेल डीड करा ले तो वो तुम्हारा पक्का होता। सो सेल डीड मतलब डॉक्यूमेंट, कामी लोन ले सकती, तुम्हें किसी भी आइंदा जाको तकलीफ है तो, अल्लाह करे नहीं आना तकलीफ, अल्लाह करे तकलीफ है तो कभी वो बेस अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है। हमारा पुलकेशन कॉन्सेसी के अंदर वार्ड नंबर 47 का ईदगाह मौला और एनपी फैक्ट्री का दो तरफ से भी 400 हक पत्र दे रहा है, आज 265 आज दे रहा है, 140 वो जरा फोटो नहीं दिया, वो सभी दूसरा कौन फोटो नहीं दिया वो भी कारा को 400 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना खर्च आता है, इसका खर्च वो हमें हमारा जमीर भाई कॉन्सेंस में 4000 को कर कोई कहते, वो भी हमें सब रजिस्टर को बुला बात करको, वो हमें हमारा कॉन्सेंस भी वैसे करेंगे, SC ST को 2000, माइनॉरिटीज को जनरल को सभी 4000 करके बोल के वो हमें बात करको सब रजिस्टर को वो क्लियर करा देते। वो जो रजिस्ट्रेशन का पैसा वो आपके तरफ से है क्या, तरफ से नहीं, वो देखेंगे अब भी हमें बनको है, आप बंद है पत्र को हमने बनको है गवर्नमेंट को, हाँ। रजिस्टर का उसके पास ही देखो देंगे। अच्छा तो कितने सालों से यहाँ लोग रहते थे इसमें? 30-40 साल से नहीं, यहाँ का आदमी को किसी भी हकपत्र नहीं मिला था, उस तरफ से एक बार हमें कर को उसे सबको देना कर को स्लम बोर्ड से, हमारे स्लम बोर्ड कमिश्नर और सोमन्ना साहब, हमारा जमीर भाई साहब सभी मिल को आज का ये कर को है। आज जमीर भाई भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उनका क्या कहना था, क्योंकि उनके वार्ड में भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इस तरह के प्रोग्राम हुए? वो हमारा बड़ा भाई है, उन्हें उस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको उन्हें देना कर बोल को 1 तारीख को रहने का प्रोग्राम कैंसिल कर को 5 तारीख को आज कर को है, वो उस तरह से जमीर भाई आना कर बोल को ये प्रोग्राम कर। यहाँ के लोगों के क्या रिएक्शन है, इतने सालों बाद 40 साल के बाद उनको घर अपने हाथ में घर आ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? वो लोग खुश है, इतना साल से हक पत्र नहीं मिला था, अपोजिशन सर्टिफिकेट मिल को वो मुबारकबाद दे रहा है सबको, उस तरफ से खुश है। तो आने वाले दिनों में इसके अलावा जितने भी स्लम हैं पुलकेशी नगर में, क्योंकि बहुत बड़ा स्लम है यहाँ पे, तो और भी लोगों को मिलेगा इस तरह से हक पत्र? पूरा हमारा कॉन्सेसी के अंदर कितना स्लम है वो स्लम पूरा उनको हक पत्र में देंगे। अच्छा, जो लोग जिस घर में रह रहे हैं वही घर उनको मिला है? वो कौन कौन है उसे दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ और अभी 320 हमारे रोशन नगर का है, वो आइडेंटिटी कार्ड समेत है, वो भी हमें नेक्स्ट वीक में डिस्ट्रीब्यूट करने को रेडी कर रहा है।